कुछ दिन पहले मेरे एक क्लाइंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा और एक रिक्वेस्ट करी कि सर आप एक वीडियो प्लीज बनाइए और रिसर्च करिए क्या फिश और मिल्क को साथ कंज्यूम करने से कोई प्रॉब्लम होता है। तो मैंने पूछा कि इस मिथ के बारे में आपको क्या पता है। उन्होंने बोला कि सर मेरे पेरेंट्स ही नहीं और मेरे रिलेटिव्स ही नहीं, बहुत सारे बाहर ऐसे कोचेज हैं जो हमें मना करते हैं कि हमें फिश और मिल्क प्रोडक्ट, स्पेशली दूध, एक साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे आपकी स्किन में डिसकलरेशन, जिसे हम ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो भी कहते हैं, या सिंपल टर्म्स में व्हाइट पैचेस डेवलप हो जाते हैं, वो डेवलप हो सकता है अगर ये दोनों को हम साथ खाएं। अब जब मैंने इस मिथ पर रिसर्च करा तो बहुत ही फनी चीजें निकल कर आई। एक तो बहुत सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स इस चीज को सपोर्ट करते हैं और सेकंड इसके पीछे बहुत अमेजिंग हिस्ट्री भी है। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि इस मिथ का बेस क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड, मिल्क और फिश खाने से साथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ना कभी हुआ था और ना कभी होगा। प्लीज अंडरस्टैंड कि बहुत सारे क्यूजींस ऐसे हैं वर्ल्ड के, फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, मेडिटेरेनियन, जिसमें सी फूड्स जैसे कि फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स, इनको कुक किया जाता है मिल्क प्रोडक्ट्स में, कर्ड, क्रीम, बटर, कोकोनट मिल्क, और ये बहुत ही टेस्टी डेलिकेसीज हैं, डिशेज हैं। आपको ये दोनों फूड्स कंबाइन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप फिश से एलर्जिक हैं या मिल्क से एलर्जिक हैं तो एक डिफरेंट केस है, वो एलर्जिक प्रॉब्लम है जिससे आपका सिर्फ पेट खराब होगा या आपको कुछ रिएक्शंस हो सकती हैं। ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो या वाइट पैचेस डेवलप होने से इसका दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। मैंने कोशिश करी कि मुझे कोई स्टडी मिले या कोई रिसर्च मिले, अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई स्टडी नहीं करी गई, लेकिन जितनी भी स्टडीज, जितने भी रिसर्चर्स ने इसको देखा, उन्होंने ये देखा कि ऐसी मिथ का जो ओरिजिन था वो शायद दो पर्टिकुलर रीजंस की वजह से हुआ। उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया जूस की हिस्ट्री को, जिसमें जो उनकी फेमस बुक है तालमुड, उसमें एक चीज बताई गई है कि हमें दो प्रोटीन सोर्सेस, प्राइमरीली फिश और मीट को साथ कंबाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दोनों मेजर प्रोटीन सोर्सेज हैं और इससे डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन कभी भी फिश या मीट को मिल्क के साथ कॉम्बिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं बताई गई। दूसरा प्रॉब्लम जो निकल के आता है वो आता है आयुर्वेदा से। आयुर्वेदा में बोला गया है कि आप फिश और मिल्क को या मीट और मिल्क को साथ कंबाइन मत करिए, इससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि दोनों प्रोटीन के मेजर सोर्सेज हैं और बहुत हैवी हो जाते हैं स्टमक पे। लेकिन आयुर्वेदा में भी स्किन डिसकलरेशन के ऊपर कोई भी स्टडी या रिसर्च नहीं है, ना कहीं में ये मेंशन्ड है कि फिश को मिल्क के साथ खाने से आपको कोई प्रॉब्लम डेवलप हो। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि फिश और मिल्क को आप नॉर्मली कंबाइन कर सकते हैं, बहुत सारी डिशेज इससे बनती हैं, तो आपको इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको इससे कोई डिजीज होगा, इससे कुछ नहीं होता। प्लीज अपने फिश को और अपने मिल्क को एंजॉय करिए और ऐसी बहुत सारी मिथ्स को जानने के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।